कहाँ गेल रही है? वोट दे रही है। उम्र कते भले, एज कते भले अपने के? 104। 104 104 में भी वोट दे लिए, इतना मतलब एक्साइटमेंट छे? उम्र से वो हटकी कर वोट देना इतने अनिवार्य समझ लिए? वोट दे लिया, अब नहीं लिया पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। 7 मई को जहां तीसरे चरण का मतदान प्रक्रिया चला तो वहीं 5 सीटों पर बिहार में मतदान किया गया। एक और जहां झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया में चुनाव हुआ तो वहीं आपको बता दें कि वोटिंग के लिए खासकर युवाओं और बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। एक और जहां बुजुर्ग काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहीं दूसरी ओर युवा भी काफी उत्साहित नजर आए। सुबह से ही लंबी कतारें वोटिंग बूथ पर देखने को मिली तो वहीं बुजुर्गों को खासकर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो इसका भी खास ध्यान रखा गया। वोटिंग के दौरान बुजुर्गों में जो लोग चल नहीं पा रहे थे उन्हें लेकर के व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। बूथ पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं अब प्रतिशत की बात करें तो दोपहर के 3 बजे तक 45 से 46% वोट भी पड़ चुका, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि शाम तक कितना वोट पड़ता है। और इस बार तीसरे फेज में पहले और दूसरे फेज की तुलना में देखा जाए तो तीसरे फेज में 2019 की तुलना में वोटिंग फीसदी क्या रहती है, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों ही फेज में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला। कहाँ गिर रही है? वोट दे रही है। उम्र कितने भले, एज कितने भले अपने के? 104। 104 104 भी वोट दे लिए, इतना मतलब एक्साइटमेंट छे? उम्र से वो हटकी कर वोट देना इतने अनिवार्य समझ लिए? वोट दे लिया, अब नहीं लिया पड़े। केकरा बने पे सरकार? अब सरकार के दे लिए ये बना, तो फिर भी होते ना दिमाग में केकरा बने पे तो अच्छा रहता है। हाँ, कांग्रेस बोलो ना, कांग्रेस कौन सरकार अपने लिए अच्छा रहता है? कांग्रेस देखिए हमारा जो बेटा को पैसा नौकरी दे, नौकरी दे, सब चलिए चलो ले लिए। छोट बच्चा का जाकर ला जा रहा है। क्या नाम है आपका? सविता देवी। सविता देवी।